हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ संपदा। आज हम लोग खीर बनाना सीखने वाले हैं। सेवैया की खीर है, बहुत हेल्दी रेसिपी है। हेल्दी क्यों कहा, आगे देखते हैं। इसके लिए मैंने देसी घी लिया हुआ है करीबन 1 चम्मच। उसमें मैं काजू, बादाम और अखरोट ये रोस्ट करके लेने वाली हूँ। अभी ये बच्चों के लिए कितना हेल्दी है ये तो हमें पता ही है, तो अभी इसे अच्छी तरह से 1 मिनट के लिए रोस्ट करना है। थोड़ा सा करारापन आ जाए बस, फिर इसे मैं एक प्लेट में साइड में करके ले रही हूँ। दोबारा मैं 1 बड़ा चम्मच देसी घी ले रही हूँ। इसमें सेवैया रोस्ट करके लूँगी। ये सेवैया पहले से रोस्ट थी, लेकिन देसी घी का स्वाद आने के लिए मैं वापस 1 मिनट के लिए रोस्ट करके लूँगी। अच्छे से 1-1.5 मिनट रोस्ट करना है। एक बार ये भी रोस्ट हो जाए तो हमने जो पहले काजू बादाम रोस्ट किए थे वो ऐड कर देने हैं। इसके बाद मैंने 1/2 कप पानी ऐड किया है। पानी ऐड करने के बाद 0.5 से 1 मिनट के लिए इनको अच्छे से मिक्स करके पका लेना है। इसके बाद मैं दूध ऐड करने वाली हूँ। दूध मैंने कौन सा लिया है, जो फुल फैट मिल्क रहता है ना, वो लिया हुआ है। वो मैंने 0.5 लीटर लिया है। मैं पूरा ऐड कर रही हूँ। अभी इसे अच्छे से चलाते हुए पकाना है। ये खीर पूरी तरह से हमारी बनके तैयार है, लेकिन अभी तक हमने इसमें कोई शक्कर नहीं डाली है, क्योंकि हमें इसे हेल्दी बनाना है। तो इसमें मैं गुड़ ऐड करने वाली हूँ, जैगरी पाउडर। तो ये मैंने 0.5 कप लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ये जैगरी पाउडर मैंने कब ऐड की है, जब खीर अपनी सेमी ठंडी हो जाए, मतलब ज़्यादा गर्म होगी और तब हमने ऐड किया तो अपनी खीर फट जाएगी। इसलिए खीर जब पक जाए तो उसे ठंडा करके लेना है और फिर उसमें जैगरी पाउडर ऐड कर देनी है और मिक्स कर देना है। बस अपनी खीर बनके यहाँ पे तैयार है, हेल्दी खीर। थैंक यू।